पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। महिला ने संबंध में पुलिस में अपनी शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि ये महिला राजभवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। महिला ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में शिकायत दी है। मामला सामने आने के बाद टीएमसी के नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की झड़ी लगा दी है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि चुनावी फायदों के लिए राजनीतिक दल के एजेंट्स ने उन पर घिनौने आरोप लगाए हैं। टीएमसी के नेता मंत्रियों ने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों से नाराज राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों तक को बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने मंत्रियों के राजभवन में प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने कोलकाता ही नहीं बल्कि दार्जिलिंग और बेरकपुर में भी राजभवन में मंत्रियों के जाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा जिस कार्यक्रम में मंत्री शामिल होंगे उनमें राज्यपाल नहीं जाएंगे। राजभवन ने ये बयान में कहा है कि इस मामले में जाँच करने में अगर पुलिस भी आती है तो उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। संविधान की धारा 361 के तहत राज्यपाल पर किसी भी तरह की FIR नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से तनातनी रही है। ममता सरकार राज्यपाल पर काम में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा चुकी है और गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बीते साल राज्य सरकार पर उनकी जासूसी करवाने तक का भी गंभीर आरोप लगा दिया था। गवर्नर ने यह भी दावा किया था कि उनके कोलकाता में मौजूद गवर्नर हाउस में जासूसी के संबंध में बहुत ही विश्वसनीय जानकारी भी मिली है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को इसके बारे में जानकारी दी गई है और पिछले राज्यपाल की तर्ज पर ही सीवानंद के भी ममता बैनर्जी के साथ खटास भरे संबंध रहे हैं। हालांकि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के एक कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है और इसे इंजीनियर्ड कथा यानी इंजीनियर नैरेटिव कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कोई बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन वो बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सामने आए हैं। पीएम मोदी फिलहाल कोलकाता में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजभवन में शांति कक्ष यानी पीस रूम से जुड़ी एक अस्थायी कर्मचारी सदस्य होने का दावा करने वाली एक महिला गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद पुलिस चौकी पर पहुंची और उसने आनंद बोस पर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। बंगाल में गवर्नर राज्य सरकार के बीच टसल चलती ही रही है और ऐसे में गवर्नर पर यह आरोप लगाकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए चर्चा का केंद्र बन गई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है। राज्यपाल संदेश खाली की महिलाओं से बात करने वाले पहले लोगों में से थे और उन्होंने राज्य सरकार के बारे में भी उस समय कठोर टिप्पणी की थी। आपको संदेश खाली मामले के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में परगना जिले में एक गांव है जिसका नाम संदेश खाली है। यहां तृणमूल कांग्रेस के लोकल नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये पूरा मामला देश भर में गरमाया हुआ था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि घर घर जाकर लड़कियों और महिलाओं की खोज की जाती थी और फिर उन्हें उठाकर पार्टी कार्यालय ले जाया जाता था। इसके बाद उनका यौन शोषण किया जाता था। आरोप लगाने वालों का कहना था कि इस इलाके में शेख शाहजहां का इतना खौफ था कि कोई आवाज नहीं उठाता था और ऐसे में अब बंगाल के गवर्नर पर भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन क्या अगर गवर्नर पर किसी तरह का मुकदमा चले तो उन्हें गवर्नर पद से हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब ना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही गवर्नर को हटा सकता है। आर्टिकल 156(1) के अनुसार अगर राज्यपाल कोई ऐसे कदम उठा रहा है जो राज्य और भारत के लिए गलत साबित हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं और राज्य का दूसरा राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। अगर राज्य की विधानसभा मंडल के सदस्यों को ऐसा लगता है कि राज्यपाल राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है या फिर उनके काम को दुर्व्यवहार माना जाता है तो ऐसे में राज्य के जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति से शिकायत जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TVNet Digital पर।